हमारे साथ है राजेंद्र पाल गौतम जी। गौतम जी एक बात बताइए, आज देश में SC ST OBC के लोग सड़कों पे क्यों उतरे हुए हैं? देखिए ये न्याय की लड़ाई के लिए उतरे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोग कुछ कोर्ट में भेज दिए हैं जो RSS से जुड़े हुए हैं। और आप जानते हैं RSS का एजेंडा क्या है, वो भारत के संविधान को खत्म करके और वो मनुस्मृति लाना चाहते हैं। मनुस्मृति का मतलब हम लोग पुनः गुलाम हो जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने का हमारा कोई रास्ता नहीं बचेगा। पहले ही हमारे ये समझ लीजिए जितने प्रोफेसर देश के अंदर हैं 98% जनरल कैटेगरी के हैं, जितने एसोसिएट प्रोफेसर देश में हैं 96% जनरल कैटेगरी के हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर 67% जनरल कैटेगरी के हैं। बड़ी देर से बड़ी मुश्किल से तो शुरू हुआ था मिलना, 200 पॉइंट रोस्टर में हमारे कुछ लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाया करते थे, लेकिन ये जो 13 पॉइंट रजिस्टर जो ये डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट निकालेंगे उसके अंदर पहली वैकेंसी जनरल को जाएगी, दूसरी जनरल को जाएगी, तीसरी जनरल को जाएगी, चौथी उसके बाद चौथी वैकेंसी OBC को जाएगी, पांचवी जनरल को जाएगी, छठी जनरल को जाएगी, फिर सातवीं SC को जाएगी। और जो भी विभाग में किसी भी विभाग को देख लो, हिंदी विभाग हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, सारे विभागों में देखो वैकेंसी जो होती हैं वो 4-5 होती हैं। प्रोफेसर एक आध होगा, एसोसिएट प्रोफेसर 1 या 2 होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर 2 या 3 होंगे। तो वहाँ सारे प्रोफेसर जो वैकेंसी 3 निकलेंगी हर विभाग में, तो वहाँ तो सारे जनरल कहेंगे ना एक भी SC का आएगा, ना एक भी ST का आएगा, ना एक भी OBC का आएगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ी साजिश खेली गई है, रची गई है। इस साजिश के माध्यम से इन्होंने Article 16(4) भारत के संविधान को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। भारत के संविधान की मूल भावना पर यह बहुत बड़ा हमला है। ये देश में जो SC ST OBC के लोग डॉक्टर बाबा साहेब के संविधान की वजह से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे, उनको पूरी तरीके से रोकने का, बर्बाद करने की बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए देश के जो भी लोग समता में विश्वास करते हैं, बराबरी में विश्वास करते हैं, जो सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, वो सब लोग आज सड़क पर उतरे हैं। और ये लड़ाई अब दिल्ली से पूरे देश के कोने कोने में जाएगी, सब जगह लोग तैयार हो चुके हैं, क्योंकि ये अन्याय, वो अन्यायकारी जो सरकार केंद्र में बैठी है, इसको जब तक वापस कुर्सी से उठा के और इनको वापस गुजरात ना भेज दें मोदी जी को, तब तक देश के लोग अब चैन से बैठने वाले नहीं है। आज इतनी जनसैलाब पूरा दिल्ली में उतरा हुआ है, पूरे देश से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। एक बात बताइए, 2019 के इलेक्शन भी नजदीक है, तो क्या देखते हैं 2019 के इलेक्शन के अंदर आप? देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ, मोदी जी को अगर थोड़ी बहुत भी सीट लानी है तो जल्दी से अध्यादेश लाएं, वरना अभी तो जो मीडिया इधर उधर का झूठा सर्वे दिखा रहा है NDA सारा मिलकर 200 के आसपास पहुंच जाएगा। मैं कह रहा हूँ 150 से नीचे आ जाएगा, तो जल्दी इन्हें थोड़ी बहुत भी अकल हो तो जल्दी से अध्यादेश लाए, तो 150 को टच कर देगा NDA, वरना तो फिर इतना नीचे चला जाएगा कि 3 आंकड़ा छूना मुश्किल हो जाएगा।